स्वामी जी, एक स्टडी ये कहती है कि अपनों की मौत से भी दिल के दौरे का खतरा ज्यादा होता है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने इसका जिक्र भी किया कि एक की शायद हार्ट अटैक से मृत्यु हुई और दूसरी की इस वजह से मृत्यु हो गई क्योंकि वो शायद ये देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उनको दिल का दौरा पड़ गया। लेकिन स्वामी जी, डाइजेशन से भी दिल की सेहत का क्या कोई कनेक्शन है, इसके बारे में भी आप समझाएं, और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो कैसे अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक परेशानी भी हार्ट अटैक की वजह हो सकती है। जो गैस वाला दर्द होता है कई बार वो महसूस ऐसा ही होता है जैसे सीने में दर्द हो रहा है। पाचन तंत्र का हृदय तंत्र पर, पूरे जीवन तंत्र पर, शरीर तंत्र पर, प्रतिरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज सुबह ही हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी बता रहे थे कि लिवोग्रिट वाइल्ड लिवामृत सर्वकल्प क्वाथ जजा जुन की चाल दालचीनी का मैंने अभी बताया हार्ट के लिए, ये पाचन तंत्र के लिए पूरा अभ्यास बता रहे हैं। इसमें से कम दो तीन आसन भी कर लिए ना, पवन मुक्त आसन और ये मंडूक आसन, आप भी मंडूक आसन करो अभय जी, बहुत ज़बरदस्त है। इससे पाचन तंत्र, हृदय तंत्र भी अच्छा होता है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्जुन आरिष्टि, अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ हृदय अमृत, अर्जुन घनवटी, इसको ले ले, और खाली पेट कार्डियोग्रिट एक एक और एक एक दो दो गोली लिवोग्रिट की खा ले। सुबह उठते लिव जो है सर्वकल्प का काढ़ा पी लें, पाचन तंत्र इतना अच्छा हो जाएगा। और लिवोग्रिट से हमने देखा लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल सब कुछ नॉर्मल होता है। ये एकदम प्रूव, एकदम रिसर्च की भी बात आपको बता रहा हूँ। पाचन तंत्र अच्छा होता है, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, और अभी जो हम वेट के लिए अभ्यास बता रहे थे वेट नहीं बढ़ता है, और पाचन तंत्र अच्छा होगा तो इसके पाचन तंत्र के बीच में पेनक्रियाज है उसके अच्छा होने से शुगर नॉर्मल होगा, बीपी नॉर्मल होगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम के सारे कारणों का निवारण हो गया। और जो प्रतिदिन योग करेंगे, बीड़ी सिगरेट शराब भी नहीं पियेंगे, ड्रग एडिक्शन से भी, गलत चीज़ें खाने पीने से, नशा के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक रीजन से भी होती है, किसी भी कारण से भी हो, मंडूक आसन एक दो मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक कर सकते हैं, ससक आसन, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है, ये हृदय तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो कर सके उनके लिए हमने गोमुखासन प्रारंभ में ही कराया, और ये उष्ट्रासन भी अच्छा रहता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होने से हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है। ये सरल अभ्यास है, और एक अभ्यास बैठ करके वक्रासन का है, वक्रासन, और जी बॉडी फ्लेक्सिबल हो तो ऐसे अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकते हैं ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।